Hello childrens, good morning to all of you. So what's going on? I hope कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हो सकता है कि आप ये वीडियो भी अभी देख रहे होंगे. So it's very good that you are doing something very well. So students, let's discuss about the yesterday. कल हमने क्या पढ़ा था? So we discuss about the geometrical figures. कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड वी स्टडीड अबाउट द एंगल्स. एंगल्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स. व्हाट आर द थ्री टाइप्स? अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, उसकी पढ़ाई की होंगी, तो कौन से तीन टाइप्स है? यस, द फर्स्ट वन इज राइट एंगल, सेकेंड वन इज एक्यूट एंगल एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल. सो दिस इज अबाउट द यस्टरडेज क्लास. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अगेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स. सो वी आर ऑल फैमिलियर विद द ज्योमेट्रिकल फिगर्स. आप सबको तो पता ही होंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन सी है, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, देन स्क्वेयर एंड द ट्रायंगल. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में. सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स इन योर हाउस. आपके घर में अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी. हो सकता है आपकी मम्मी जो बैंगल्स यूज़ करती है, आप जो चपाती खाते हो वो सर्कल है. अभी आप जिसमें ये वीडियो देख रहे होंगे, ज़रा उस मोबाइल का शेप आप देखो, वो कैसा होगा? रेक्टेंगल होगा. आप जिस टीवी पर कार्टून या फिर न्यूज़ देख रहे होंगे COVID-19 की, वो किस शेप में होगा? तो वो भी रेक्टेंगल शेप में होगा. सो व्हाट आई मीन टू से, देयर इज़ अ नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस विच हैज़ अ डिफरेंट शेप्स. सो चिल्ड्रंस, हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जिसमें हम अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. आप अपनी बुक रेडी रखो ताकि आप सब ये पॉइंट्स क्या कर सको, नोट कर सको. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सर्कल. सो सर्कल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग विच हैज़ अ सर्कुलर शेप. हम जहाँ पे जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो अर्थ भी कैसे हैं? सर्कल हैं. अभी आपके मम्मी ने जो बैंगल्स हाथ में पहनी है, जैसे मैंने ये पहनी है, सो ये कौन सी शेप में है? सर्कल है. आप जो चपाती खा रहे हो, वो बर्गर खा रहे हो, वो भी कौन से शेप में होगा? वो भी सर्कल शेप में है. आप जो केक खाते हो, सो व्हाट आई मीन टू से, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग विच हैज़ अ सर्कुलर शेप. सो देयर आर सम कंसेप्ट ऑफ द सर्कल. सर्कल के बारे में हम डिटेल्स में जानकारी देखते हैं. सो सर्कल हैज़ अ फोर कंसेप्ट. सो सेंटर, देन रेडियस, देन डायमीटर एंड नेक्स्ट वन इज़ द क्वाड. सो देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. कुछ पॉइंट्स वहाँ पे दिए हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई. तो ये इन सबको हम क्या कहते हैं, इसके बारे हम देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ द सेंटर. देखो, सेंटर हम किसको बोलते हैं? द पॉइंट एट विच लाइंस मीट ईच अदर इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. द पॉइंट विच लाइंस मीट ईच अदर. देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. आप वहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि मैंने एक बीच में एक सेंटर दिया है, जिसको हमने क्या लिखा है, पॉइंट का नाम ओ दिया है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर. नाउ लुक एट हियर. जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, क्या निकाला है? आई जस्ट ड्रॉ हियर अ सर्कल. आई जस्ट गिव देयर वन पॉइंट. यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया है, ठीक है. तो हम अभी इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसको हमने एक नाम दे दिया है ओ. सो ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. हर सेंटर का एक सर्कल होता है, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ द रेडियस. देखो, रेडियस किसको बोलते हैं हम? आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हो. तो यहाँ पे कुछ लाइंस दी है, सी ओ या फिर ओ बी या फिर डी ई, देन ओ ए. सो हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ द रेडियस? सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेडियस? लाइन दैट ड्रॉज फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट. जैसे हम यहाँ पे एक सर्कल निकाल लेते हैं,
ठीक है. आई जस्ट ड्रॉ हियर अ सर्कल, जस्ट आई गिव द वन सेंटर. अभी हम उस सेंटर में से एक कहीं पे भी लाइन निकाले तो ये हमारी क्या बन गई, रेडियस. जैसे हमने इसको ओ नाम दिया था और इसको हम ए नाम दे, तो ओ ए, व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियस? एनी गैसेस? यस, यू आर राइट. ओ ए, ओ ए इज अवर रेडियस. और जैसे सेंटर हमारा कौन सा था? ओ. सो दैट लाइन ड्रॉज फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से हम कहीं पे भी अलग अलग लाइन, जैसे हम यहाँ पे भी निकाल सकते, हम यहाँ पे भी निकाल सकते, यहाँ पे भी निकाल सकते. तो सेंटर से हम जो अलग अलग लाइन्स ड्रॉ करते हैं एट द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सो इट इज़ नोन एज द रेडियस. ओके, देन द थर्ड वन इज द डायमीटर. देखो डायमीटर हम किसको बोलेंगे? द लाइन दैट डिवाइड द सर्कल इंटू टू इक्वल हाफ. देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इट टू इक्वल हाफ, मतलब सर्कल के जब दो इक्वल शेप होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, सो यू नोटिस दैट लाइन सी बी, सो दैट सी एंड बी लाइन डिवाइड द सर्कल इंटू टू इक्वल पार्ट्स. जैसे हम कैसे, एक बहुत इजी एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे मम्मी अगर मार्केट से अगर कोई फ्रूट्स लाते हो तो वो सर्कल होता है, और अगर दो बच्चे घर में हो तो वो बोलेंगे कि हमें इक्वल इक्वल चाहिए. सो दैट टाइम हमारी मम्मी क्या करती है, क्या करती है? यस, वो दोनों, वो फ्रूट्स को दोनों इक्वल पार्ट में कर देती है ताकि दोनों बच्चों को कैसा मिले, एक जैसा मिले. सो सेम is here, the diameter is the divide the circle into two equal parts. Just I draw here a one circle. यहाँ पर मैंने एक circle निकाल लिया. I just draw here a center. अभी मैंने क्या निकाला? Center निकाला. And just I divide the circle into two equal parts. Yes, ज़रा इसको notice करो. How many parts are there? How many? येस, एनी गेसेस? इट्स अ टू पार्ट्स. यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स हुए हैं. सो व्हेन एवर द लाइन्स मेक द टू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम द सेंटर, सो इट इज़ नोन एज अ डायमीटर. सो हम कैसे भी, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट इट शुड बी गोइंग फ्रॉम द सेंटर. सो ये हो गया हमारा डायमीटर. सो अभी एग्जाम्पल, जैसे हमने इसको ओ लिखा और इसको ए लिखा, सो व्हाट इज अवर डायमीटर? सॉरी, दिस इज ओ एंड दिस इज बी, सो व्हाट इज अवर डायमीटर? ए बी. सो ये हो गया डायमीटर. नाउ नेक्स्ट वन इज द क्वाड. चलो क्वाड किसको बोल सकते हैं? लेट्स अगेन द स्टडी द सर्कल. चलो हम सर्कल को स्टडी करते हैं. सो फ्यू लाइन्स आर देयर. आप ये नोटिस करो, लाइन डी टू ई, सेगमेंट D to E. So D to E ये क्या है? How to find out the chord? So the definition is chord is the segment which does not touch to the center any connect to point. Okay. So यहाँ पर आपने D और E line देखा है, तो ये center को connect कर रही है क्या? Center में से जा रही है क्या? नहीं, it does not touch the सेंटर. जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटर सर्कल निकाल रही हूँ, ओके, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, सो आई जस्ट ड्रॉ हियर अ टू पॉइंट्स. मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स निकाले, इसको नाम देती हूँ मैं सी एंड डी. सो आई जस्ट जॉइन दैट लाइन. देखो मैंने ये लाइन को क्या किया? जॉइन किया. सो इट इज़ क्या बन गई है? सी डी. बट एक बात यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि ये सेंटर में से जा रही है क्या? आप ज़रा गौर से देखो, मैंने ये सेंटर में से निकाली है क्या? नहीं. सो दैट लाइन विच डज नॉट टच द सेंटर, सो दिस वन इज़ द चॉर्ड. आप इसको ऐसे भी निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते. हम इसको नाम देते हैं ई एफ. सो व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ चॉर्ड? इस सर्कल में हमारा एग्जांपल कौन सा हो गया? इट इज़ सी एंड डी. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ कंसेप्ट अबाउट द सर्कल. आप अपने बुक में सर्कल के अलग अलग शेप्स बनाओ
और ये सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो. ओके, सो अवर नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर इज द रेक्टेंगल. सो वी आर फैमिलियर विद द रेक्टेंगल, है ना. आपने रेक्टेंगल की बहुत सारी शेप्स हैं, जैसे आप अगर ये वीडियो जिसमें देख रहे हो तो वो भी एक रेक्टेंगल है ना. आप जिसमें जिस टीवी में आप कार्टून देखते हो, COVID-19 की न्यूज़ देख रहे हो, वो टीवी का शेप भी कैसा होगा, वो भी रेक्टेंगल हो सकता है. देन द विंडोज़, डोर्स, द ब्लैक बोर्ड ऑल्सो, सो देट ऑल दैट थिंग्स हैव अ रेक्टेंगल शेप. सो वॉट इज रेक्टेंगल? सो आई जस्ट टेक हियर फोर पॉइंट्स. हाउ मेनी पॉइंट्स आई हैव टेकन? फोर. 1, 2, 3 and 4. नाउ आई जस्ट जॉइन दैट लाइन. देखो अभी इसको मैं क्या कर रही हूँ, जॉइन कर रही हूँ. ओके, 1, 2, 3 and 4. चार लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है. नाउ आई गिव द नेम ए बी सी एंड डी. सो वॉट इज दैट ए बी सी डी? ये पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्टाइसेस. सो फर्स्ट वन अंडरस्टैंड वॉट इज द वर्टाइसेस एंड वॉट इज द साइड. सो देखो वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोला जाता है? द पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. देखो यहाँ पे चार साइड्स हैं, है कि नहीं, चार साइड्स रहती है. तो जैसे ये एक साइड ए बी और ये दूसरी साइड ए डी, तो ये जहाँ पे मिल रहे हैं वो है एक पॉइंट जिसको हमने नाम दिया है ए. सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? हाउ मेनी? इट इज, यस इट इज फोर पॉइंट्स. सो दिस ए बी सी एंड डी, दिस फोर पॉइंट्स आर नोन एज वर्टाइसेस ऑफ द रेक्टेंगल. चलो हम सबसे पहले लिखते हैं वर्टेक्स. हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? इट इज फोर. विच आर दे? ए बी सी एंड डी, दीज आर वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल. द नेक्स्ट वन इज साइड्स. हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन रेक्टेंगल? सो आप यहाँ पे देख रहे हो 1, 2, 3 and 4. तो सबसे पहले हम जान लेते कि साइड्स किसको कहा जाता है. वेन टू एंगल्स जॉइन ईच अदर विद द हेल्प ऑफ लाइन, दैट इज कॉल्ड साइड. वेन टू एंगल्स, देखो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है ना. तो ये दोनों एंगल्स जो लाइंस को जॉइन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइड. सो हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द रेक्टेंगल? देयर आर फोर साइड्स. तो अभी हम उसके नाम लिख लेते हैं. सो एनी केसेस, चलो एक के बाद एक बताओ कि कौन सी साइड्स है रेक्टेंगल की. सो द फर्स्ट वन इज द ए बी, यस वेरी गुड. देन सेकंड वन इज द बी सी. देन थर्ड वन इज द, यस थर्ड वन इज द सी डी. एंड लास्ट वन इज, एनी गेसेस? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज डी ए. हम इसको डी ए लिख सकते हैं या फिर हम उसको ए डी भी लिख सकते हैं. सो दीज आर द वर्टाइसेस of rectangle and this is the sides. One thing you should remember that the lines are parallel to each other. Rectangle की जो sides होती है वो parallel होती है. This AB and side DC is parallel to each other and this AD and this BC it is also parallel to each other. So ये सब हो गया rectangle. आप अपनी बुक में रेक्टेंगल के शेप्स निकालो, उसको अलग अलग नाम दो और वर्टेक्स और साइड्स लिख सकते हो. देन थर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट, स्क्वेयर. चलो हम थर्ड स्टार्ट करते स्क्वेयर. सो एज वी आर अगेन द फैमिलियर विद द स्क्वेयर, हमने स्क्वेयर की शेप की अलग अलग चीज़ें भी हम हमारे घर में देखते हैं. टैब होता है या फिर कभी कभी हम केक भी जो लाते हैं मार्केट से वो भी कभी कभी स्क्वेयर साइज में हो सकता है. सो सेम वी आर गोइंग टू स्टडी स्क्वेयर. सो आई जस्ट टेक हियर फोर पॉइंट्स. हाउ मेनी पॉइंट्स आई टेक हियर? फोर. सो नाउ आई जॉइन देम. चलो इसको जॉइन कर देती हूँ. दिस वन इज 1, 2, 3 and 4. सो नाउ
विच इज़ द फिगर, कौन सी फिगर बन गई? येस यू आर राइट, दिस वन इज़ द स्क्वेयर। चलो अब हम इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। देखो मैंने चार पॉइंट्स लिए है ना, देन उसको अभी हमने नाम दे दिए ए बी सी डी। चलो अब उसके बाद हम उसके वर्टाइसेस और साइड्स लिख देते हैं। सो व्हाट आर द वर्टाइसेस? द वर्टेक्स आर, देर आर फोर पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स? वन टू थ्री एंड फोर। सो दिस वन इज ए बी सी एंड डी। ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वेयर। अभी हम इसकी साइड्स लिख लेते हैं। सो व्हाट आर द साइड्स ऑफ द स्क्वेयर? व्हाट आर द साइड्स? सो द फर्स्ट वन इज, एनी गेसेस? यस, द फर्स्ट वन इज ए बी। चलो इसके बाद के बताओ, इसके बाद का कौन सा आएगा? यस इट इज बी ई, सॉरी बी सी। देन नेक्स्ट वन इज अगेन सी डी, एंड लास्ट वन, येस ऑब्वियसली द लास्ट वन इज द डी ए। सो ये हो गए साइड्स ऑफ द स्क्वेयर। सो वन थिंग यू शुड रिमेंबर हियर, द ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वेयर इज इन द इक्वल लेंथ। स्क्वेयर की जो साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, मतलब चारों साइड्स एक जैसी होती है। जैसे हमने रेक्टेंगल में पढ़ा तो रेक्टेंगल की दो पैरेलल लाइंस होती है, बट स्क्वेयर में ऐसा होता है क्या? नहीं, स्क्वेयर के चारों लाइंस इक्वल रहती है, एंड इट मेक द राइट एंगल टू ईच अदर। ये कितने एंगल्स क्रिएट करती हैं? सो इट इज़ 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारा हो गया स्क्वेयर। आप स्क्वेयर के भी अलग अलग फिगर्स निकाल के देखो और उसके वर्टेक्स और साइड्स आपको मेंशन करने हैं। सो द लास्ट वन इज़ द ट्रायंगल। चलो सबसे लास्ट कंसेप्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो है ट्रायंगल। तो अभी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल को की शेप्स भी हमने बहुत बार देखी हो। आप जो चिप्स वगैरह कुछ खाते हो वो भी कभी कभार ट्रायंगल शेप में रहता है। और सबसे बहुत आपकी पसंदी की चीज़ वो क्या होगी? ये समोसा खाते होंगे आप। समोसा का साइज शेप कैसा रहता है? ट्रायंगल शेप जैसा रहता है ना। तो चलो ट्रायंगल के बारे में आज पढ़ाई की जाए। सो जस्ट आई टेक हियर थ्री पॉइंट। कितने पॉइंट लिए मैंने यहाँ पे? तीन। अभी हम इसको जॉइन कर देते हैं, वन ये टू और ये थ्री। सो हमें कौन सी फिगर मिल गई अगर हम तीनों पॉइंट्स को जॉइन कर रहे हैं तो? सो वी गेट द फिगर विच इज़ नोन एज अ ट्रायंगल। चलो अभी हम इसको नाम देते हैं ए बी और सी। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। वर्टेक्स, चलो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? थ्री पॉइंट्स आर देयर। व्हाट आर देयर नेम्स? क्या नाम है बेटा उसके? ए बी एंड सी। सो वर्टाइसेस आर थ्री एंड देयर नेम्स आर ए बी एंड सी। चलो अब इसके बाद हम उसके साइड्स लिख लेते हैं। सो द साइड्स एंड देयर नेम्स आर साइड ए बी, देन नेक्स्ट वन इज बी सी, एंड थर्ड वन इज द, येस दैट थर्ड वन इज द सी ए, या फिर हम उसको ए सी भी लिख सकते हैं। सो द ए बी सी इज द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, एंड ए बी बी सी एंड सी ए, दीज आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, हमने इस तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स में वर्टाइसेस और साइड्स पढ़ी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई, आप इसको भी ध्यान में रखो और इसके हिसाब से आप अपने नोटबुक में अलग अलग शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स बना के उसके वर्टाइसेस और साइड्स लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी स्टडीड अबाउट द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सम बेसिक फिगर्स आर सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वेयर एंड ट्रायंगल। सो हियर आवर चैप्टर इज कम्प्लीट।
but you have to draw the different shapes with the vertices and the sides. So agar aapko kuch bhi problem ho to aap comment box mein mention karo, then in the next video we will discuss about the some another geometrical figures. So still stay safe, stay home. Thank you.